स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉब्लिन इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 63.35 करोड़ का है। इसका करंट शेयर प्राइस 55 रुपीज़ है और 52 वीक का इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस 84.45 रुपीज़ है। बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में। रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग 50.4% की है, जो कि सितंबर 2023 में बढ़ती हुई दिख रही है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 39.93% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 4.89% की है, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 4.78% की है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, कंपनी में हमें चार तरह की शेयर होल्डिंग ही देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी में फंडामेंटल्स के बारे में। इसका पीई रेशियो 45.01 है, लेकिन जो इंडस्ट्री का पीई रेशियो है वो 63 के अराउंड में है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से इसका पीई रेशियो अच्छा है। पीबी रेशियो 1.99 है। आरओई 4.90% है। आरओसीई 8.53% है। और यह कंपनी अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं देती है। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.83 है। बात कर लेते हैं कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में। बात करें इसकी ईयर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो 2023 में कंपनी को 1.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2022 में कंपनी को 1.60 करोड़ का लॉस हुआ था। बात कर लेते हैं शेयर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। 2019 से अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को -8% का रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी ने -33% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने -15% का रिटर्न दिया है। 1 महीने में कंपनी ने 12% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 दिन में कंपनी ने अपने निवेशकों को 33% का रिटर्न दिया है। तो आप सब ने गॉब्लिन इंडिया लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देख लिए हैं। कंपनी में शेयर होल्डिंग अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का पीई रेशियो कंट्रोल में है। कंपनी अपने निवेशकों को कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी भी कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। 2023 में तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था, लेकिन 2021 से 2022 तक कंपनी लगातार लॉस में थी। इसके अलावा 5 दिन में तो कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन लॉन्ग टाइम में कंपनी ने अपने निवेशकों को कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। बाकी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें और ख़ुद भी अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।